अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट हम चैप्टर फोर कर रहे हैं प्राइड ऑफ पाकिस्तान और उसकी कॉम्प्रीहेंशन कर रहे हैं रीड द गिवन माइंड मैप अबाउट माय फेवरेट पर्सनालिटी ये हमारा क्वेश्चन है कि आपको जो माइंड मैप दिया गया है उसमें उसको रीड करें माय फेवरेट पर्सनैलिटी मेरी पसंदीदा शख्सियत सबसे पहले हम जानते हैं कि माइंड मैप होता क्या है वट इज माइंड मैप माइंड मैप किसको कहते हैं अ माइंड मैप इज अ डायग्राम यूज टू विजुअली ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन माइंड मैप जो है एक तस्वीर होता है जिसमें हम जो इंफॉर्मेशन होती है जो फैक्ट्स होते हैं उनको हम ऑर्गेनाइज करते हैं विजुअली नजर आते हैं यानी ऐसी तस्वीर बनाना जिसमें हमारे ख्याल की अक्सी हो सके अ माइंड मैप इज ऑफन क्रिएटेड अराउंड अ सिंगल कॉन्सेप्ट ड्रॉन एस एन इमेज इन देंटर ऑफ अ ब्लैंक लैंडस्केप पेज टू विच एसोसिएटेड रिप्रेजेंटेशमेज वर्ड्स एंड पार्ट ऑफ वर्ड्स आर एडिड यानी माइंड मैप जो रहता है वो एक सिंगल कॉन्सेप्ट से शुरू होता है सेंटर में हम एक ब्लैंक पेज पे एक दायरा बनाते हैं जिसपे हम एक जो हमारा ख्याल होता है सेंट्रल आइडिया उसको लिखते हैं और फिर उसके साथ बाकी चीज़ों को जोड़ते जाते हैं हम उसमें इमेज भी डाल सकते हैं

कि आप उससे बाहर लेके आए और वो आपकी जिंदगी को रोशन कर दे। माइंड मैप इज़ एन ईजीएस्ट वे टू पुट इंफॉर्मेशन इन टू आवर ब्रेन एंड टू टेक इंफॉर्मेशन आउट ऑफ आवर ब्रेन माइंड मैप जो है वो बहुत आसान तरीका है कि हम अपने दिमाग के अंदर इंफॉर्मेशन या जो मालूमात हैं वो डाल सकते हैं और अपने ब्रेन से मालूम को निकाल भी सकते हैं आगे देखते हैं कैसे माइंड मैप हेल्प अस टू माइंड मैप जो है हमारी मदद करता है टू रिड्यूस इंफॉर्मेशन ओवरलोड कि जो भी मालूम है हम उन्हें ओवरलोड से बच जाएं रिमेंबर कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन और कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन या मालूम हमें याद रह जाएं इम्प्रूव आवर नोट टेकिंग और जब हम पढ़ रहे हों हम नोट्स लेते हैं तो वो हमारे में बेहतरी आ जाए सीधा बिगर पिक्चर और हम एक बड़ी पिक्चर को तस्वीर को देख सकें माइंड मैप मैपिंग स्टेप्स हम माइंड मैप को स्टेप्स में देखते हैं वो कौन से जिनसे हम माइंड मैप क्रिएट कर सकते हैं स्टेप वन ये है कि माइंड मैपिंग बिगिंस विद द वर्ड आर इमेज दैट सिंबलाइजेस व्हाट यू वांट टू थिंक अबाउट प्लेस्ड इन द मिडल ऑफ अ पेज आप जिस चीज के बारे में सोचना चाहते हैं उसको सेंटर में रखें ठीक है जैसे कि मैंने एक दायरा लगाया मैं एक माय फेवरेट पर्सनैलिटी के बारे में सोचना चाहती हूँ मैंने इस दायरे के अंदर लिखा माय फेवरेट पर्सनैलिटी दूसरा स्टेप क्या, स्टेप क्या होगा कि ऐड न्यू टॉपिक्स अब मुझे अपनी फेवरेट पर्सनालिटी की लाइफ हिस्ट्री पता होनी चाहिए वो क्यों मशहूर है रीज़न फॉर द फेम उसकी शोहरत की वजह पता होनी चाहिए फिर रीजंस फॉर योर लाइकलीनेस आप उसको क्यों पसंद करते हैं वो पता होना चाहिए करियर उसका करियर क्या था वो क्या उसने अचीव किया उसका प्रोफेशन क्या था इसके साथ साथ आप इसके मज़ीद ब्रांचेस भी ऐड कर सकते हैं कि लाइफ हिस्ट्री में वो जिंदा पैदा कब हुआ उसकी डेथ कब हुई रीज़न फ़ॉर द फेम उसकी शोरत की वजह क्या है आपने उसको क्यों पसंद करते हैं और उसका करियर या उसकी जो है प्रोफेशन क्या था माई फेवरेट पर्सनैलिटी इज़ कायद मोहम्मद अली जना द फाउंडर ऑफ़ पाकिस्तान मेरी पसंदीदा शख्सियत कायजाज़म मोहम्मद अली जना है जिन्होंने पाकिस्तान बनाया बॉर्न आन दिसम्बर ट्वेंटी फ़िफ्थ एटीन सेवेंटी सिक्स इन आ प्रमिनेंट मर्केंटाइल फैमिली इन कराची कायद एजम दिसम्बर पच्चीस दिसंबर अठारह सौ छिहत्तर में एक मशहूर ताजर फ़ैमिली में कराची में पैदा हुए

मोहम्मद अली जना वॉज आ बैरिस्टर आप एक बैरिस्टर थे पॉलिटिशियन सियासतदान एंड द फाउंडर ऑफ़ पाकिस्तान और पाकिस्तान के तखलीक करने वाले आई लाइक हिम वेरी मच बिकॉज ऑफ हिज ऑनेस्टी मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ क्योंकि वो ईमानदार थे इंटेलिजेंस उनमें बहुत ज़्यादा अकल थी डिवोशन बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले थे एंड हार्ड स्ट्रगल और बहुत ज़्यादा जिदोजहद करने वाले थे द मैचलेस लीडरशिप ऑफ कायदेज़म लिबरेटेड द ऑप्रेस्ड मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट फ्राम स्लेवरी ऑफ द हिंदूज एंड इम्पीरियलिज़म मैचलेस जिसका कोई जो है मैच ना हो कायद अजम के मुकाबले की कोई लीडरशिप नहीं थी कायद अजम ने हमें आज़ाद किया हिंदुओं और अंग्रेज़ों के जुलम से आप देखेंगे हिंदू जो हैं वो गाओ माता की प्रस्तिश करते हैं उससे अपना खुदा मानते हैं और मुसलमान जो हैं वो इसकी सेक्रीफाइस करते हैं तो ये बहुत सारे दो फर्क रिलिजन थे और क्योंकि मुसलमान जो हैं वो मिनोरिटी में थे हिंदू अक्सरियत में थे तो इसी इसलिए मुसलमान हर वक्त उनके निशाने पे होते थे कायद अजम वाज वन ऑफ दोज ग्रेट मैन हु शेप द मुस्लिम हिस्ट्री कायद अजम जो हैं वो बहुत अजीम आदमी थे जिन्होंने मुस्लिम हिस्ट्री की तजीमें नाओ की आप देखें कि ये ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान जब पाकिस्तान जो कायदे अजम ने बनाया था वो ईस्ट पाकिस्तान जो है वो अब बांग्लादेश बन चुका है और वेस्ट पाकिस्तान को ही अब पाकिस्तान कहा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री कायद अजम ने तख्लीक किया ही गेव आ फ्रीडम उन्होंने हमें आज़ादी दी ही गेव द मैसेज ऑफ इक्वालिटी उन्होंने बराबरी का पैगाम दिया एंड ब्रदरहुड और भाईचारे का अगर आज भी हम दुनिया में तरक्की करना चाहते हैं तो हमें सिर्फ अपने मुसलमान होने पे फख्र करना चाहिए और पाकिस्तान होने, पाकिस्तानी होने पे हमारी कोई और आइडेंटिटी नहीं है हम पंजाबी सिंधी बलोची नहीं हैं हम मुसलमान हैं और फिर पाकिस्तानी हैं कायद आज़म डाइड इन सेप्टेंबर अलेवन 1948 इन कराची और बरिड इन कराची ये कायदे कायदाजम का मज़ार है इस तरह से आप देखें कि हमने ये समरी बनाई दरमियान में कायदज़म का नाम लिखा उनकी लाइफ हिस्ट्री के मेन पॉइंट्स लिखे फिर रीज़न फॉर फेम लिखा करियर और फिर रीज़न फॉर लाइकलीनेस तो हमें ये याद करना पॉइंट्स आप याद कर लें माइंड मैप बना लें और फिर आप ऐसे खुद से लिख सकते हैं तो हमें भी अपनी पसंदीदा पर्सनैलिटी के मुताबिक ऑनेस्ट होना चाहिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए और हमें अपनी जो आइडेंटिटी है एज अ मुस्लिम कि हम सिर्फ मुसलमान हैं और उसके बाद पाकिस्तानियाँ इसी पे ही कायम रहना चाहिए उम्मीद है बाई डियर स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आई होगी इसको लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें